अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? तो काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी नहीं, एक दो दिन हो गए व्लॉग नहीं आया, तो आज ज़रा कोई व्लॉग बना लेते हैं। तो आज हम लोग निकल रहे हैं बाहर, और अभी थोड़ी सी लेट भी हो गई है यार। अभी यहाँ पर मगरिब आजकल जो है ना, 4 बजे मगरिब हो जाती है, समझेंगे 4 से भी पहले मगरिब हो जाती है, उसके बाद रात हो जाती है। तो अब हम निकल रहे हैं, देखते हैं आज क्या बनाएंगे व्लॉग में। तो है तो मेरे जहन में, बट सरप्राइज़ रखते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सरप्राइज़ होना चाहिए ना। तो बाहर जाके आपको दिखाते हैं कि व्हाट वी गोना शेयर टुडे। सो लास्ट ईयर स्टिक विद दिस व्लॉग, ओके? यू गाइस नोज दैट वी हैव डन द प्रिटी वाव वॉक इन आवर फास्ट वीडियोज, बट वी हैवन गॉट अ गुड रिस्पॉन्स यार। सो वी आर वेटिंग फॉर सम गुड काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज। सो हूएवर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियोज, यू नीड टू शेयर, सब्सक्राइब एंड स्प्रेड दिस चैनल, योर चैनल आतिफ द एक्सप्लोरर। यहाँ पर रेन हो रही है, बारिश है बाहर, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्की बारिश है, बट ये इंग्लिश टिपिकल वेदर होता है कि कंटिन्यू बारिश चलती है सारा दिन, कई कई दिन तक कंटिन्यू बारिश चलती है, कम ज़्यादा होती रहती है। रोड आपको इट्स हार्डली सी दैट ड्राई रोड्स, सो हम लोग को नसीब नहीं होता कि यार ड्राई रोड देखने को मिले। तो हम लोग भी निकल रहे हैं यार, और ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी 6 या 7 टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त। आप लोग देख रहे हैं बच्चे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, बच्चे आ रहे हैं जॉग दर जॉग। तो अभी जो 3:30 बजने वाले हैं, और ये स्कूल से छुट्टी का टाइम है। तो यूके में जो है 3:30 बजे स्कूल ऑफ होते हैं। अब ये सारे छोटे बच्चे, ये स्कूल है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, और आप देखें तो मेरे ख्याल में 3:15 पे जो है छोटे बच्चों को ऑफ करते हैं, और 3:30 बजे है ना बड़े बच्चों को ऑफ करते हैं। तो अभी आप देखें सारे छोटे छोटे बच्चे अपनी माओ के साथ हाथ पकड़े हुए बारिश में जैकेटें पहने हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बारिश की वजह से छुट्टियाँ नहीं होती, क्योंकि बारिश इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो बारिश की कोई कुछ भी इंटेंसिटी हो, लोग अपना काम रोज़मर्रा के मामूलात वैसे ही चल रहे होते हैं जैसे इनके चलते हैं। तो आप देख लें ये सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं, और ये अपने स्कूल से इनकी छुट्टी हुई है, अब ये सब वापस जा रहे हैं। और अभी 3:20 हुए हैं, थोड़ी देर बाद जब 3:30 बजेंगे तो फिर बड़े बच्चों की जो है ऑफ होगी, तो उसके बाद वो लोग जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है स्कूलिंग का, और बच्चे जो है फिर इस वेदर को जो है ना डील करना भी सीखते हैं कि यार ठंड हो रही है, बारिश हो रही है। हमारे यहाँ बच्चे बड़े नखरे करते हैं, आज नहीं जाना, यहाँ तो भाई जाना ही है। तो दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट द कल्चर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज ओवर हियर। खूबसूरती चेक करें, सामने आप देखें पहाड़ियाँ हैं, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे लेक है, अभी आगे आगे विजिबल होगी, या राइट पे जो है ये क्रिकेट ग्राउंड है, बहुत बड़ी फील्ड है। तो खूबसूरत है यार एरिया, बहुत खूब, नो डाउट आई लाइक दिस एरिया, क्योंकि मुझे ये एरिया बहुत खूबसूरत लगा इसलिए है ना मैं यहाँ पर सेटल हो गया हूँ। हम लोग यहाँ पर मूव कर गए हैं लंदन से, लंदन एक फ्लैट है, बट लंदन की एक अपनी स्पेशलिटी है, बट इनफ हो गया था, पिछले 10-12 साल से मैं लंदन में ही रह रहा था। तो वो शोर शराबा, वो जो एक होता है ना एक बिजी शहर, और लंदन की बिजीनेस से जो है मैं थोड़ा सा टायर्ड हो गया था, मैं कहा थोड़ा सा सुकून वाली जगह पे चलते हैं। यहाँ पर नेचुरल रिजर्व, ये हेरिटेज साइट्स है यहाँ की, और ये एक जंगल है पूरा, और यहाँ पर इन्होंने ट्रैक बनाए हुए हैं, मतलब गाड़ी नहीं जाती, वॉकिंग ट्रैक हैं। ये सामने जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये सारा बहुत बड़ा एरिया है और बहुत ही खूबसूरत एरिया है। हम लोग यहाँ पर गए हैं ट्रैकिंग करने, बट अब ये कि बेबी है हमारे पास, तो अब बेबी के साथ तो हम नहीं जा सकते राम लेके, क्योंकि वो ट्रैक है, जैसे पहाड़ियों पर ट्रैकिंग रास्ते बने हुए होते हैं कच्चे। मगर किसी दिन इंशाल्लाह मैं यहाँ का भी एक व्लॉग कवर करूँगा, और अंदर बहुत कुछ है दिखाने को, और बहुत ज़्यादा हेल्दी है, सुपर हेल्दी है, आप आएँ
जीरो पोल्यूशन है सर, जीरो पोल्यूशन। अभी मैं कोशिश करूंगा अंदर जाने की, तो यहां से मेरे ख्याल में अंदर जाने का रास्ता है। बिल्कुल कब्रिस्तान का रास्ता है, और ये सामने मेरे घर में चर्च है, तो यहाँ इन लोगों की कोई तकरीब वगैरह भी होती है। चलते हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मैं फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ। ये देखिए आप, ये सारी कब्रें हैं लेफ्ट राइट। इधर से हम लोग एग्जिट मारेंगे इंशाल्लाह। ये देखें आप राइट, आप ऑर्गेनाइजेशन देखें, मतलब हर चीज ऑर्गेनाइज है। एक सिस्टम नजर आ रहा है, एक कॉम का जो है ना एजुकेशन लेवल आपको नजर आता है इन चीजों से। यही चीजें होती हैं जिससे पता चलता है कि कॉम कितनी एजुकेटेड है। यार मैं समझ नहीं से कासिर होंगे यार, इतनी ऑर्गेनाइज ये लोग हैं। मतलब कब्रें भी इनकी, हमारे यहाँ कब्रिस्तान में इतनी बेहरमती होती है कब्रों की, कोई ऊपर है कोई नीचे है, अजीब एक हिसाब किताब है। यहाँ पर आप देखें, मरने के बाद भी लोग ऑर्गेनाइज होते हैं। अभी आपको यहाँ से देखें व्यू नज़र आएगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखें आप, ये देखें यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं बाहर, तो ये लोग आए हुए हैं। यहाँ पर चर्च है अंदर, तो इनकी कोई प्रे वगैरह भी होती है। तो अब ये सारे लाइन से इन्होंने गाड़े कब्रें हैं, हर कब्र के बाहर एक फूल रखे हुए हैं, और जो इन्होंने एक तख्ती लगाई हुई है वो लगी हुई है। आंटी और अंकल आ रहे हैं वॉक करते हुए बीच में, और इन्होंने ये थैंक यू कहा। अच्छा, ये भी एक कल्चर है यहाँ पर, जो है एक दूसरे को वेव कर देते हैं, अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो एक दूसरे को लानते दिखा रहे होते हैं, ऐसा ही है ना। इट्स ऑन योर राइट हैंड साइड। सो गाइस, ये जो है ना, ये बहुत ही ओल्ड कब्रिस्तान है। बेसिकली ये एक छोटा सा पार्ट है, चर्च बना हुआ है, और यहाँ पर मैंने 200 साल पुरानी कब्रें देखी है। तो ये मैंने कहा एक बाहर से ज़रा व्यू दिखाता हूँ आपको, और अगर मौका लगा तो मैं अंदर भी जाके। तो गाइस, मैं जो है गाड़ी से निकल आया हूँ, और मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ बाहर निकल के। तो मैं, मेरी कोशिश ये है कि मैं कब्रिस्तान के अंदर जाके जो है ना एक वीडियो लेके आऊँ, तो देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, इस कब्रिस्तान के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सामने आप देखें चर्च, दिस इज़ वेरी ओल्ड चर्च। अच्छा, ये जो यहाँ पर कब्रें हैं ना, ये कब्रें भी बहुत पुरानी हैं। और उस तरफ मैंने कब्रों पे, अब देखें ये है, इसकी तो राइटिंग पे मिट गई है, इतनी पुरानी है। कुछ कब्रें मैंने यहाँ देखी थी जो 200 साल पुरानी थी। मैं चेक करता हूँ ये कितनी पुरानी है। ये देखें, थॉमस क्रियो डाइड अगस्त 28, 1882। 1882 में भाई साहब का इंतकाल हो गया था। अब आप देख लें कितना पुराना है ये कब्रिस्तान। तो बहरहाल, ये आपको एक दिखाना था सीन। ये थोड़ा सा ओल्ड कब्रिस्तान है, बहुत ज़्यादा पुराना है, तो इसलिए अब इसमें यहाँ पर आपको वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं नज़र आ रही। और यहाँ पर अब जो है ये लोग दफन भी नहीं करते मुर्दे, ये सिर्फ इनके होता ही है कि मैंने यहाँ देखे जितने भी चर्च है ना इधर, उन लोगों का जो है ना वो होता है, एक जो भी पादरी होते हैं, जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उस चर्च के, तो ये उन लोगों को उस चर्च के अहाते में ही ना दफना देते हैं ये लोग। तो मेरे ख्याल में यहाँ उन्हीं की कब्रें हैं और किसी की नहीं है। तो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ वापस गाड़ी की तरफ। तो नॉर्मली लोग इस टाइप के वीलॉग्स बनाते नहीं हैं, यहाँ पर लोग ग्रेवयार्ड इन चीज़ों से डरते हैं, बट यू नो ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है।
और ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। तो हमने सोचा चलो यार आपको ये चीज़ भी दिखाएं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा भी लोग होगा जो आपको इस चीज़ को कवर किया होगा, तो बट मैंने ये कवर की है क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ फील करता था जब भी मैं यहाँ से जाता था। तो दोस्तों ये कब्रिस्तान दिखाने का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान में कब्रिस्तान के नाम से डरते हैं, हमें वहशत होती है, कोई बंदा जाने से डरता है, बाहर से गुजरने से डरता है। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को इसलिए दिखाया है कि इसको देख के वहशत नहीं होती। आप देखें सामने, इसको देख के बिल्कुल वहशत नहीं होती, अच्छा लगता है। लोग आते हैं या बच्चे आते हैं, सब आते हैं अपने जो भी इनके बुजुर्ग हैं उनकी कब्रों पे, ये लोग भी आते हैं विजिट करने। हम लोगों ने पता नहीं क्या समझा हुआ है गोरों को, शायद हम लोग इतना नहीं जाते जितना ये आते हैं। मैंने देखा है यहाँ पर एवरी सैटरडे संडे क्रिसमस पे ये लोग जो है ना फूल लेके आते हैं, और यहाँ पर ये लोग जो है उनके लिए जो भी इनका अपना कल्चर है उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। कहने का मकसद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन, सफाई सुथराई, डिसिप्लिन, यार मरने के बाद भी डिसिप्लिन, दिस इज़ समथिंग विच ऑलवेज अट्रैक्ट मी। तो बहरहाल ये हम आपको दिखाना चाहते थे मरने के बाद भी ये लोग कितने ऑर्गेनाइज हैं। खूबसूरती नज़र आ रही है, ग्रीनरी नज़र आ रही है, और आपको जो मैंने कहा था कि रोड यहाँ पर सारे आपको वेट मिलेंगे। बारिश कंटिन्यू, दिस इज टिपिकल इंग्लिश वायरमेंट, ऑल द फील ऑफ दिस यू नो एनवायरमेंट। अब एक और चीज़ नोट करी होगी आपने इस पूरे व्लॉग में, आपको एक भी हॉर्न की आवाज़ नहीं आई होगी। You don't even hear a single horn. और हम लोग इस वक्त मेन रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पर हॉर्न देना जो है ना अनएथिकल है। हॉर्न तभी दिया जाता है जब कोई बंदा ऐसी कोई हरकत कर ले कि यू नीड टू इन्फॉर्म हिम दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, कोई ऐसी चीज़ है तब आप उसको हॉर्न दे के इंटीमेट करते हैं। जैसे अभी हम लोग काफ़ी पीछे गए, तो इंशाल्लाह ताला एक दिन हम लोग भी आएंगे इस लेवल पे, मगर इसके लिए एक डिसिप्लिन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, कौम बनना है। लीडर्स तो वही आएंगे जैसी कौम होगी, जब दूध वाला चोरी करेगा तो लीडर भी चोरी आएगा। ईमानदार लीडर्स को आप रहने नहीं देंगे, सिस्टम करप्ट है, ऑल पीपल हु आर जस्ट टेकिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस करप्ट सिस्टम दे विल नॉट लेट एनी ऑनेस्ट पर्सन टू रूल अपॉन अस। ओके गाइज।